नमस्कार। आज हम वैदिक गणित के सूत्र नंबर 6 को पढ़ेंगे। मैंने आपको वैदिक गणित के शुरू के 5 सूत्र पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो मैंने वीडियो अपलोड करूँगा वो आप सभी के पास पहुँच जाए। चलिए देखते हैं सूत्र नंबर 6। इस सूत्र का उपयोग द्विघातीय समीकरण को हल करने एवं त्रिघातीय समीकरण को हल करने में किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणक से भाग करते हैं। जो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो इसका गुणक है उससे हम भाग करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है, तो हम 1 से समीकरण को भाग दे देंगे, तो सेम यही समीकरण नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम x के गुणक का आधा, x का गुणक का आधा, इस 4 का आधा 2 और इस 2 का वर्ग और इसका वर्ग आ गया है 4। अब इस 4 को इस समीकरण में जोड़ने व घटाने पर, तो देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 0। अब ये 5 है और ये माइनस का 4, ये जो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का जो 9 है वो इक्वल के इधर चला जाएगा, 4x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब देखिए ये समीकरण फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये x प्लस 2 और इसका वर्ग बराबर के इधर जाएगा, तो वर्गमूल 9। अब x बराबर क्या जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो प्लस माइनस 3। इस प्लस माइनस 3 में एक बार 2 जुड़ेगा, सॉरी ये प्लस का 2 बराबर के इधर जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, एक आंसर हमारा ये रहा, और प्लस 3 माइनस 2 प्लस का 1, x के हमें 2 आंसर प्राप्त हो गए।